दोस्तों, आप स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर सीरियल इमली तो देख ही रहे हैं, जिसमें हमें आर्यन सिंह राठौर का किरदार निभाने वाले अभिनेता फहमान खान की एग्जिट देखने को मिली है, जिन्होंने अपने चलते शो को बीच में ही छोड़ दिया, जिसकी वजह सीरियल में आने वाला लीप था, क्योंकि फहमान खान पिता की भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने चलते शो को लात मार दी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, फहमान खान वो पहले अभिनेता नहीं है जिन्होंने अपने चलते शो को लात मारी है, बल्कि टीवी इंडस्ट्री के कई और अभिनेता भी ऐसे हैं जो अपने चलते हुए सुपरहिट शो को बीच में ही छोड़कर चले गए। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं अभिनेताओं से रूबरू कराने वाले हैं। नंबर एक, धीरज धूपर। करीब 5 सालों तक कुंडली भाग्य सीरियल में करण लूथरा की मुख्य भूमिका निभाकर दर्शकों का मनोरंजन करने वाले अभिनेता धीरज धूपर भी इस सुपरहिट सीरियल को बीच में छोड़कर चले गए, जिसकी वजह इन्होंने खुद अपने इंटरेस्ट को बताई और कहा कि ये अभी अपने करियर में कुछ नया करना चाहते हैं और इसलिए अभी जल्द ही कलर्स चैनल पर अपने नए सीरियल शेर दिल शेर गिल के साथ वापसी कर रहे हैं। नंबर दो, मोहसिन खान। अब बात करते हैं स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक का किरदार निभाकर आज पूरे देश में मशहूर हो चुके अभिनेता मोहसिन खान की, जिन्होंने अपने एक अच्छे खासे शो को बीच में ही छोड़ दिया, जिसकी वजह सीरियल में आने वाला जनरेशन लीप थी, क्योंकि मोहसिन खान सीरियल में कोई भी एजेड किरदार निभाने के लिए तैयार नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने चलते शो को लात मार दी। नंबर तीन, शब्बीर आलूवालिया। जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में अभी का किरदार निभाते नजर आ चुके अभिनेता शब्बीर आलूवालिया भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने सीरियल की कहानी से बोर होकर सीरियल को बीच में ही लात मार दी। जी हां, शब्बीर आलूवालिया भी सीरियल की कहानी से बोर हो चुके थे, जो अब सीरियल प्यार का पहला नाम राधा मोहन में मोहन का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर चार, पारस कलनावत। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में एक आदर्श बेटे समर शाह का किरदार निभाते नजर आ चुके अभिनेता पारस कलनावत ने भी अपने चलते हुए शो को बीच में ही लात मार दी थी, जिसकी वजह इनके सीरियल में कम सीन्स थे। जी हां, पारस कलनावत का कहना था कि सीरियल में उनके काफी कम सीन्स दिखाए जा रहे हैं और इसलिए उन्होंने भी अपने चलते हुए शो को लात मार दी, जहां अब ये कलर्स टीवी के रियलिटी शो झलक दिखलाजा में अपने डांस का जलवा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर पांच, गश्मीर महाजनी। इमली सीरियल में आदित्य बनकर नजर आए अभिनेता गश्मीर महाजनी इस सीरियल से खूब हिट हुए थे और इन्होंने सीरियल के 200 एपिसोड में भी काम किया था, पर बावजूद इसके इन्होंने भी इस चलते सीरियल को लात मार दी। हालांकि इसकी वजह तो साफ नहीं हुई, पर बताया जाता है कि इन्होंने अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट की वजह से इस सीरियल को अलविदा कहा था। वेल दोस्तों, आप इन अभिनेताओं के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।